हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। ऋषभ पंत क्या चेन्नई सुपर किंग्स जा रहे हैं? आजकल न्यूज में बड़ा चल रहा है कि ऋषभ पंत जो है वो लीड करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स को, ऋषभ पंत का ट्रेड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सब स्पेकुलेशंस जो लगाई जा रही है वो IPL 2025 के लिए लगाई जा रही है। क्रम अनुसार हम बात करेंगे कि कहाँ से जो है ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई थी, क्यों ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई है, क्यों ये चीज़ें जो है ना न्यूज़ में आने लगी है। तो दिन था 4 दिसंबर का। 4 दिसंबर को दीपदास गुप्ता, आप जानते होंगे एक्स इंडियन क्रिकेटर जो हाल फिलहाल में कमेंट्री वगैरह में नज़र आते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग चकित मत होइएगा अगर IPL 2025 में आफ्टर धोनी लीविंग वो ऋषभ पंत जो है वो उनको लीड करते हुए नज़र आ जाए। तो सोशल मीडिया पे तब एक बार बज बना, क्योंकि भाई धोनी फैंस है ना, माई भाई ऐसे थोड़ी खुद के रहते कप्तानी किसी को दे देंगे। खैर दे दी थी उन्होंने, उस पर भी बाद में करूँगा। तब न्यूज़ हुई स्टार्ट, क्योंकि जब ट्रेड विंडो भी चल रहा था सभी को लगा ट्रेड होगा, ये होगा। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कोई ट्रेड नहीं होगा। इसके बाद फिर क्या हुआ, IPL ऑक्शन ख़त्म हुआ, उसके बाद अभी कल परसों में स्पोर्ट्स तक है, तो वहाँ पे एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, डॉट्स उन्होंने जोड़े। तो कहीं ना कहीं जो है कहीं हद तक वो डॉट्स सही भी जोड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इस ऑक्शन में, इस IPL ऑक्शन में जो है चेन्नई सुपर किंग्स किसी भी कैप्टन ऑप्शन के पीछे नहीं गई। ऋतुराज गायकवाड़ आपकी टीम में है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ऐसे नहीं है कि वो जाके और सीधा कप्तानी करें। तो अब कौन बचे? अब अगली साल जो है वो मेगा ऑक्शन होना है। अब मेगा ऑक्शन होना है तो उसमें भाई साहब कौन कौन कैप्टेंसी ऑप्शन रहेंगे, कैप्टन की रिक्वायरमेंट किस किस को है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कैप्टन की रिक्वायरमेंट है RCB को भी, क्योंकि फाफ डुप्लेसी 40 साल के हो गए हैं। कैप्टेंसी की रिक्वायरमेंट है चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि धोनी भाई छोड़ के जा रहे हैं। कैप्टेंसी की रिक्वायरमेंट शायद मुझे ये लगता है KKR को भी होगी, क्योंकि अय्यर अगले साल KKR में मुझे खेलते नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, इसके बाद कैप्टनशी और किसको चाहिए, भाई शुभमन गिल, उधरबन, SRH को भी इंडियन कैप्टन चाहिए, इस साल तो उन्होंने पैट कमिंस को बना दिया। ठीक है, तो इन सभी टीमों को, यानी कि 4 टीमों को कैप्टनशी ऑप्शन चाहिएंगे अगले साल मेगा ऑक्शन में। तो मेगा ऑक्शन में भाई सूर्य कुमार यादव भी मुझे आते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो है ना रिटेन नहीं होंगे अगले साल सूर्य कुमार यादव, एक यार पावर हाउस एक जनरेट हुआ था। उसके बाद रोहित शर्मा, अब अगर एक पॉसिबल इक्वेशन क्या बन रही है कि रोहित शर्मा गोइंग टू दिल्ली कैपिटल्स एंड ऋषभ पंत कमिंग टू दिस चेन्नई सुपर किंग्स, और ये सब चीज़ें ट्रेड में हो जाएंगी, ऑक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब ऑक्शन में अगर ऋषभ पंत आते हैं तो 20 करोड़ तक कोई टीम उन पर निवेश, 20-25 करोड़ तक निवेश कर देगी, तो चेन्नई सुपर किंग इससे पहले ही ट्रेड कर लेंगी उनसे, क्योंकि धोनी भाई खेलेंगे नहीं। धोनी भाई का जो 12 करोड़ का पर्स है वो खाली होगा, उसके बाद और जो पर्स है वो खाली करके 15 करोड़ जो ऋषभ पंत के बनते हैं वो ऋषभ पंत को दिए जाएंगे, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को दिए जाएंगे सीधे सीधे, क्योंकि धोनी भाई रिटायर हो जाएंगे, है ना। तो ये सब समीकरण जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने लगा लिया है, और रोहित शर्मा गोइंग टू दिल्ली कैपिटल्स इज ऑलमोस्ट डन। और अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा धोनी का? अब धोनी जब पहले ऋषभ पंत आए और उन्होंने धोनी की जगह ली तो काफ़ी उन्हें जो है वो क्रिटिक्स झेलने पड़े थे। वो जब कीपिंग करते थे तो बूइंग होती थी क्राउड से, हाँ वो होते थे क्राउड से कि भाई क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं आता, तुम धोनी की जगह क्यों आ गए। अब देखना होगा जब वो चेन्नई सुपर किंग्स में जाके और धोनी की कप्तानी की जगह लेंगे तो लोग बाग कैसे रिएक्ट करेंगे। हालांकि खबरें तो ये भी है कि जब धोनी 2019 15 अगस्त को रिटायर हुए तो टीम मैनेजमेंट ने उनको ये कहा था कि आप रिटायर मत हो जब तक जो है ऋषभ पंत को टीम ग्रूम कर रही है, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं सुनी। धोनी और ऋषभ पंत दुबई में साथ में टेनिस खेलते भी नज़र आए, तो ऐसा नहीं है, इनकी कॉमरेडरी बढ़िया है, पहले से ही इनकी कॉमरेडरी अच्छी रही है। और जिस प्रकार से धोनी और पंत एक साथ जो है ना हमेशा जुड़े रहते हैं, एक साथ वो उनसे टिप्स भी लेते रहते हैं, उनसे बात भी करते रहते हैं, तो कोई दोहराए नहीं है कि पंत जाते हैं वहाँ पे और धोनी एज ए मेंटोर CSK के साथ जुड़े रहेंगे। अब वो ऋतुराज में क्यों ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे चेन्नई सुपर किंग्स वाले, क्योंकि उनको पता है कि ऋतुराज इज़ रो आइटम, वो अभी कैप्टनसी का प्रेशर झेलने वाले, और हाउ यू कैन परफॉर्म एट चेपोक स्पेशली एंड इन चेन्नई सुपर किंग्स, अभी तक सब काम बॉस कर लेते थे, बॉस यानी अभी तक सब काम महेंद्र सिंह धोनी कर लेते थे, लेकिन अभी क्या होगा, धोनी एकदम से चले जाएंगे तो ये टीम पूरी ब्लैंक हो जाएगी, चाहे आप किन्हीं भी प्लेयर्स को ले लीजिए।
समझ रहे हो आप, तो इसलिए आपको कोई ऐसा चाहिए इंडियन स्टार चाहिए, ऋषभ पंत जिसको थोड़ा बहुत कैप्टनसी का एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत क्यों, अब तो यार काफ़ी साल हो गए, कैप्टनसी का एक्सपीरियंस हो और बेबाक प्लेयर हो, धांसू आपको फिनिशर के रूप में भी मिल जाए, और ऋषभ पंत से बेहतर बैटर अपकमिंग जनरेशन में कोई नहीं होगा, मार्क माय वर्ड। शुभमन गिल है ठीक है, लेकिन ऋषभ पंत की अपनी खुद की लेगेसी होगी और वो अपनी खुद की लेगेसी लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रविंद्र जडेजा एक ऑप्शन और नज़र आते हैं चेन्नई सुपर किंग फैंस को, लेकिन यार रविंद्र जडेजा को आपने दुबई में जो आईपीएल हुआ था उसमें आपने कप्तानी देके देखी थी, लेकिन क्या शुरुआत है आप सभी को बताया, लेकिन कुछ ख़राब भी नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि जडेजा को भी अपनी वर्थ जो है वो प्रूव करनी चाहिए कैप्टनसी लेके और दिखाना चाहिए कि हाउ गुड आई एम, बट उन पर प्रेशर उनसे झेला नहीं गया, कोई बात नहीं, वापस मिड सीजन में MS धोनी ने आकर के 3-4 मैच कप्तानी करी, ठीक है, तो अब वो भी ऑप्शन चले गए। बाकी अब दुबे को सोचते हो आप, राणे को सोचते हो, तो ये कप्तान बनने वाले नहीं हैं, तो पंत की बहुत हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो जाएं चेन्नई सुपर किंग्स में और रोहित शर्मा चले जाएं दिल्ली कैपिटल्स में, तो ये होता नज़र आ रहा है। मुंबई का लड़का तो खेलेगा दिल्ली में, दिल्ली का लड़का खेल रहा है बेंगलोर में, मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा और विराट कोहली की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक और ट्रेड के बारे में बात करूँ, कई लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे, तो सोचा कि इसी वीडियो के दौरान बता दिया जाए, तो भाई रबाडा के ट्रेड की भी काफ़ी जो है वो खबरें फैल रही, मुझे नहीं लगता कि रबाडा ट्रेड हो रहे हैं, और क्यों होंगे रबाडा ट्रेड, रबाडा तो पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 में रहेंगे, भाई आपकी टीम में हर्षल पटेल ही आए हैं जो कि स्लो बॉलर, मतलब कि स्लो फास्ट बॉलर है, आप अगर अच्छे से कहो तो उनको, मतलब जो स्लोअर वंस उनकी अच्छी हैं, डिपर्स अच्छी हैं, लेकिन रबाडा का रो पेस है, रबाडा जबरदस्त गेंदबाज है, पेस इज पेस यार, रबाडा कहीं नहीं जा रहे, उनके ट्रेड की अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ देख लो, मैं तो पूरा बता रहा हूँ कि भाई दिल्ली कैपिटल्स के पास 9.90 CR रिमेनिंग है, तो वो अगले सीजन में या इस सीजन भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है मुंबई इंडियंस से कुछ ट्रेड करें, और ऋषभ पंत जाएंगे, धोनी 12 crore के लीव करेंगे और 3-4 crore के कोई हो, समीर रिजवी यार 8.4 CR में थोड़ी रिटेन करेंगे, उनको रिलीज़ करेंगे और ऋषभ पंत को लेंगे ये 15 crore में चेन्नई सुपर किंग्स वाले। तो सिंपल इक्वेशन है, सिंपल समीकरण है कि ऋषभ पंत IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बनते नजर आ रहे हैं। खैर ये तो हमने सारी सोच ली चेन्नई सुपर किंग्स की, क्या आपने कभी सोचा दिल्ली कैपिटल्स की भी साइड? अब दिल्ली कैपिटल्स वाले भी यार रिकी पोंटिंग की, पार्थ जिंदल की, सौरव गांगुली की, इन सब की बढ़िया कमरेडरी है, किसके साथ? ऋषभ पंत के साथ। इन सब ने ही तो ऋषभ पंत को यहाँ पहुँचाया है, अब ऋषभ पंत एकदम से छोड़ के दिल्ली ऐसे तो जाने नहीं देंगे जब तक उनको लेवल का कोई प्लेयर ना मिल जाए, लेवल के उससे बेहतर रोहित शर्मा जब तक ना मिल जाए, तो ऐसे वो ऋषभ पंत को छोड़ के जाने नहीं देंगे। और चेन्नई सुपर किंग्स इसी लूप होल का फायदा उठा रही है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से पक चुके हैं, अब चेन्नई की थिंकिंग साफ है, वो आगे की सोच रही है, तो वो रोहित शर्मा का भाई एक बार दिमाग से निकाल देगी अगर उनको पता चले कि भाई मेरे पास जो है वो ऋषभ पंत आ रहा है, वाई नॉट यार, ऑब्वियस थिंग है। खैर बाकी और भी जो भी अपडेट्स आती हैं आईपीएल के रिगार्डिंग, आईपीएल ट्रेड के रिगार्डिंग, जो भी रूमर्स मार्केट में आती है उन पे हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों का एक काम है, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद पोस्ट टॉक विद रोहित, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ यार, बेल आइकन नहीं दबाते, ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।